वेलकम बैक टू माय चैनल. तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू हु सेलिब्रेट न्यू ईयर ऑन दिस डे. और आज गुड फ्राइडे भी है तो आज छुट्टी है. तो आज मैं आ गई हूँ कावलून पार्क और अंदर जाके देखना है व्हाट दिस प्लेस हैज टू ऑफर. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ऐसा है इसका एंट्रेंस. अच्छा ही लग रहा है यहाँ पर आके. टुडे आई फॉरगॉट माय स्टैंड तो इसीलिए हाथ से पकड़ के ही करना पड़ रहा है वीडियो. लेकिन अच्छा है जगह. ये रहा फाउंटेन और ऐसा है. ये एक मैन मेड पार्क है जो सिटी के अंदर है. तो आप ऐसे ऑफिस टावर्स भी देख सकते हैं. यहाँ शायद दो पार्क है, एक है सिटी वॉल्ड और एक है चाइनीज गार्डन वाला. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मैं गलत जगह पर आ गई हूँ. थोड़ा एक्सप्लोर करके देखती हूँ फिर पता लगेगा. यहाँ पर ऐसे किया हुआ है और उस तरफ वैसा है सीन. पार्क एकदम खाली खाली ही है तो अच्छा ही लग रहा है घूम के. मुझे लगा था मैं गलत जगह पर आ गई हूँ लेकिन नहीं, मैं करेक्ट जगह पर ही आई हूँ. और ये रहा पिंक फ्लेमिंगो. मैं पास जाके दिखाती हूँ आपको. और इतना ही ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है ये पार्क. यहाँ पर चाइनीज गार्डन भी है, वहाँ पर भी जाएंगे और उसके पहले जाएंगे पिंक फ्लेमिंगोज देखने. और ये एक छोटा सा ब्रिज है. तो ये रहा पिंक फ्लेमिंगोज. जैसे कि मैंने आपको दिखाया पिंक फ्लेमिंगोज इस तरफ, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही सुंदर है दिखने में और इतना अच्छा लग रहा है सामने से देख के. तो टोटली वर्थ इट यहाँ पर आना. ये रहा और एक पुराना बैनियन ट्री. कावलून पार्क का एवी री अभी अंदर जाएंगे. मैं पिजन के लिए उतना एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि बैंगलोर में भरमार पिजन है. कभी भी खिड़की खोलो दरवाजा खोलो आपको कुछ मिले ना मिले पिजन जरूर मिलेगा. ये बहुत बड़ा पार्क है, मतलब छोटा ही है, वेल मेंटेन्ड है. एक दो घंटे में आप पूरा पार्क कवर कर सकते हैं. इसमें जो भी देखने लायक था सब देख लिया है. अभी जा रही हूँ चाइनीज गार्डन के तरफ, देखते हैं वो कैसे सजाया हुआ है. एकदम पाम स्प्रिंग्स जैसा लग रहा है. और वैसे बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, नीट एंड क्लीन है. बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है पार्क, छोटा ही है लेकिन ठीक ठाक है. और मुझे लगता है ये सिटी वॉल्ड वाला एरिया है और ये कुछ ऐसा है दिखने में. बहुत ज़्यादा धूप है आज लेकिन अच्छा लग रहा है घूम के. बस पानी नहीं लेके आई हूँ तो उसी के लिए ही थोड़ा प्यास लग रहा है. अदरवाइज बहुत सनी एंड ब्राइट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है. और ये रहा चाइनीज गार्डन का रास्ता और ऐसे बैनियन ट्रीज है इधर. तो देखते हैं इतने सारे टर्टल्स है. देखिए सब धूप सेक रहे हैं और ठंडे ठंडे पानी का भी मजा ले रहा है. ये
जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पूरा टर्टल्स भरा हुआ है। और यहाँ पर भी पूरे टर्टल्स हुए हैं। ऐसा है, नीचे भी चलेंगे और देखेंगे नीचे क्या है। इतना सुंदर फ्लावर होके रखा है पूरे, और इतना अच्छा लग रहा है, और ठंडा ठंडा थोड़ा हवा भी चल रहा है, इसलिए मैं उधर बैठी थी, आराम कर रही थी। अभी निकलेंगे और खाना भी खाना है, तो उसके लिए रेस्टोरेंट भी ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए चलते रेस्टोरेंट की तरफ। और अभी ऐसे करके नीचे चलेंगे। और ऐसे ऐसे स्कल्पचर बने हुए हैं, और नीचे नाम भी लिखा हुआ है, और डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि ये लोग क्या हैं, क्या करते हैं। ये तो मर्लिन मुंड्रो जैसी लग रही है। हो गया घूमना पार्क, अभी चल रहे रेस्टोरेंट की तरफ। और बहुत जोर की भूख लगी है, प्यास भी लगी है बहुत जोरों की, तो चलिए रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। अभी आ गई हूँ रेस्टोरेंट और अभी खाना खाने वाली हूँ। ये एक लोकल रेस्टोरेंट है और खाना भी लोकल होगा। ये आ गया है ड्रिंक।